हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आशीष क्लासेस पी सी एम पी सी बी बच्चों आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर है हमारा सल्यूशन और उस सल्यूशन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर सोल्यूशन से जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले पता होना चाहिए ठीक है तो अगर आपको ये सारे फार्मूले आज के लेक्चर वाले फार्मूले आप अगर रट लेते हैं याद कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर से हर एक न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए हम फार्मूले की बात करते हैं सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल्टी निकालना हो ठीक है अगर हमें नॉर्मल्टी निकालना हो तो हम नॉर्मलिटी को कैसे फाइंड करेंगे तो बच्चों नॉर्मल्टी निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर में ठीक है इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग नॉर्मल्टी निकाल सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद आ जाता है बच्चों सेकंड फार्मूला यानी मोलार्टी तो मोलर्टी कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर में इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मोलर्टी निकाल सकते हैं बच्चों ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक आप केमिस्ट्री के चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते सोल्यूशन में ठीक है उसके बाद में बच्चों अगर बात करते हैं हमसे अगर हम पूछा जाए कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी नॉर्मलिटी और मोलरिटी में अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मोलरिटी इंटू मोलर मास इक्वल में क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ठीक है या फिर हमारा ये भी फार्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन वेलोसिटी इस फॉर्मूले का भी यूज हुआ ठीक है आगे देखो अगर हमें मोलैलिटी निकालनी हो फार्मूला नंबर फोर आता है कि अगर हमें मोलैलिटी निकालनी हो तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग मोलैलिटी निकाल देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूले से आपके सॉल्व uh, होंगे ठीक है इस लेक्चर में आपको सारे जो भी न्यूमेरिकल जिस टाइप के भी आएंगे उन सभी के फॉर्मूले में इस लेक्चर में आपको बता दे रहा हूँ ठीक है उधर देखो राउल्स लॉ आपको पता है राउल्स लॉ आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं तो बच्चों राउल्स लॉ की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजल टू स्मॉल एंड अपॉन स्मॉल एंड प्लस कैपिटल एन ठीक है जहाँ पर पी नॉट क्या है बच्चों तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना पी नॉट क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी एस क्या होगा बच्चों प्रेशर ऑफ हो जाएगा वहीं पर हम स्मॉल की बात करते हैं तो ये मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएगा और कैपिटल एन क्या हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसके बाद में बच्चों बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी फ्रॉम रिलेटिव लूबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है अब देखो रिलेशन यहां पर दिया गया तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे मोलिटी ऑफ इज इक्वल टू क्या नोट करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हंड्रेड अपॉन एम और एम क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है ये सिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व जो होंगे उनके फार्मूले हैं है ना और इसके आगे अभी हम और कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे ठीक है बच्चों फॉर्मूला नंबर सेवन की बात करेंगे इसमें क्या है कि रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर तो जब भी आपको रिलेशन फाइंड करना हो ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी या फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल क्या हो जाएगा डी एस टी अपॉन एम जहां पर डेल्टा पी क्या होता है लोबरिंग वेपर प्रेशर होता है बच्चों यहां पर अगर हम बात करते हैं डी क्या है तो डी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा एस सोल्यूशन कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर होता है और एम हमारा मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं एट नंबर आता है रिलेशन के रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोबरिंग इन वेबर प्रेशर ठीक है तो देखो यहां पर क्या होगा डेल्टा टी बी इज्कवल टू वन थाउजेंड इंटू के बी अपॉन एम इन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट आ जाता है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर ये हमें रिलेशन निकालना है ठीक है उसके बाद में नाइन नंबर आता है कि रिलेशन बिटवीन डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर यानी फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर में अगर हमें रिलेशन फाइंड करना है तो डेल्टा टी एफ इज्कवल टू वन थाउजेंड के एफ अपॉन एम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे ये सभी फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे न्यूमेरिकल आपके इन्हीं से सॉल्व होंगे ठीक है आगे हम बात करेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एंड डिविएशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ठीक है अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी के एफ अपॉन के बी इस फॉर्मूले का यूज करके हम इन सभी चीजों को यानी जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको सॉल्व करते हैं तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे आपको क्या करना है ये सभी रिलेशन फॉर्मूले रट लेना है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए